हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, तभी से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। सलमान खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस बेहद सतर्क है। इस बीच एक कैब ने पुलिस की नींद उड़ा दी। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक शख्स ने कैब बुक की थी। सबसे खास बात तो ये है कि यह कैब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट से बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए दो बार बुक की गई थी, इसके बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो उन्होंने गाजियाबाद के इस शख्स को हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान रोहित त्यागी के रूप में हुई है। वह 20 साल का है और यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि सलमान खान के घर से बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दो बार कैब बुक करके उसे कैंसिल करने वाले युवक को मुंबई पुलिस ने कवि नगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम से पकड़ लिया है। हमले वाले दिन रोहित त्यागी ने कैब बुक की थी। आरोपी बीबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और खुद को सलमान खान का फैन बता रहा है। उसने कहा कि खबरों से परेशान होकर लॉरेंस के नाम से कैब बुक कर प्रैंक किया था। पुलिस ने आगे बताया कि जब कैब ड्राइवर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचा और वहां के चौकीदार से बुकिंग के बारे में पूछा तो चौकीदार पहले तो दंग रह गया। उसने तुरंत बुकिंग की जानकारी पास के बांद्रा पुलिस स्टेशन को दी। इसी पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए मुंबई की बांद्रा पुलिस ने कैब ड्राइवर से पूछताछ की और ऑनलाइन कैब बुक करने वाले शख्स के बारे में जानकारी निकाली। पुलिस ने आगे बताया कि जिस व्यक्ति ने कैब बुक की थी वह गाजियाबाद का छात्र निकला, जिसकी पहचान रोहित त्यागी के रूप में हुई है। पुलिस ने आगे कहा कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने मजाक के तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कैब बुक की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उन्हें मुंबई लाया गया और अदालत के सामने पेश किया गया। के बाद उसे दो दिन के लिए बांद्रा पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को सुबह करीब 5 बजे मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की और मौके से भाग गए, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी 5 अप्रैल तक पुलिस की हिरासत में है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।